हरे कृष्णा। तो हम जा रहे हैं मायापुर पुरी धाम यात्रा पर। हरि बोल, जगन्नाथ पुरी धाम की जय, मायापुर धाम की जय। हरि बोल। तो हम जा रहे हैं इस्कॉन चिप्पीवाड़ा, चलो चलते हैं। तो दिल्ली स्टेशन से पुरी जाने वाली ट्रेन को आने में अभी भी 3 घंटे थे, तो इसलिए हम निकल पड़ते हैं इस्कॉन चिप्पीवाड़ा के बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन पाने के लिए। तो चांदनी चौक की इन तंग गलियों के अंदर हमें बहुत ही सुंदर इस्कॉन चिप्पीवाड़ा टेम्पल देखने को मिलता है। हरि बोल। इस्कॉन चिप्पीवाड़ा मंदिर के इष्ट देव श्री श्री राधा वल्लभ जी हैं। ये आश्चर्यजनक रूप से सुंदर संगमरमर की विग्रह लगभग 2 फीट ऊंचे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें पहली बार लगभग 150 साल पहले उनकी वेदी पर स्थापित किया गया था। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का कमरा भी है। श्रील प्रभुपाद का कमरा श्री राधा वल्लभ जी की वेदी के ठीक ऊपर दूसरी मंजिल पर स्थित है। यह वही कमरा है जहाँ 1965 में पश्चिम के लिए प्रस्थान करने से पहले श्रील प्रभुपाद ने अपनी विश्वव्यापी हरे कृष्ण आंदोलन की कल्पना की थी। इसी कमरे में आपको श्रील प्रभुपाद जी का हारमोनियम, उनकी पुस्तकें इत्यादि, उनसे जुड़ी काफी चीजें देखने को मिलेगी। तो इस रूम का जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा है कि जब आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो आपको लगता है स्वयं श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसी पल का लाभ उठाते हुए हम सभी ने किया जपा, तो आप भी कहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का स्वागतम है और आप जिस पक्ष में जाते हैं ये प्रभुपाद का पक्ष है। और अभी जो डीपीस के आपने दर्शन किया वो 150 ईयर्स और इस 7 ईयर्स के अंदर आज वर्ल्ड वाइड कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ, लेकिन प्रभुपाद इस 7 ईयर में सब कुछ यहाँ पर चले। यहाँ पे प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन करते थे, उसके बाद प्रिंटिंग करते थे, फिर टाइपिंग भी करते थे, उसके बाद प्रिंटर के पास ही जाते थे जैसे आपको मालूम है, और फिर पेपर वाले को पकड़ते थे, ट्रांसलेशन के बाद पेपर वाले से प्रिंटर पकड़ते, डायरेक्ट प्रिंटर को ऑर्डर नहीं करते थे, क्योंकि अगर डायरेक्ट प्रिंटर को ऑर्डर कर दिया तो पेपर वाला प्रिंटर का कमीशन हो जाएगा। तो उस पैसे को हमें बचाते थे कि उस पेपर वाले से भी कॉस्ट कम करते थे, प्रिंटर वाले से भी काम करते थे, उससे भी कॉस्टिंग कम हो, फिर हाथ में उनकी किताबें आई और यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। और उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शाह, तो श्रीमद भागवतम का जो यहीं पे इसी कमरे में इसी कक्ष में आया 1962, जिसमें बाकी सिद्धांत महाराज का तिरुभाव का डिसअप्रेस देता इस कक्ष में वो श्रीमद भागवत वैखरी बताना भूल गया। तो प्रभुपाद 1958 में आए, तो आप जानते हैं, कोई बताएंगे कब लॉन्च हुआ? कब लॉन्च हुआ बैक टू वॉटर? प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से कब मिले फर्स्ट टाइम? जब नरेंद्र नाथ को लेकर 1924, जब 26 साल। और उनको क्या जानिए कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, तो सभी पुस्तकों का उनका ट्रांसलेशन करो और विदेश में जाकर प्रचार करो। तो 1922 में एक मैसेज मिला, सबसे पहले क्या लॉन्च करेंगे? गॉड है कौन सा ईयर? ये 99% स्पॉन्डर होती जो कि इधर 30 साल 40 साल से भी स्पॉन्ड में है, तो मैं उनसे पूछता हूँ तो आंसर देने के बाद। ये जो लॉन्च हुआ है भक्ति सिद्धांत महाराज की अपनी देश ने, ये जानते हो जिनके अपीरियंस डे पे क्या आया बैक टू गॉड 1940। तो 22 साल 1922 से 44 years, 22 साल का, और कितने 22 साल, फिर 22 साल क्या बात, 22 years back to God, फिर इस्कॉन का नाम।
तो इससे पता चलता है कि ये किस फल का निकाय है। इसके लिए प्रभुपाद ने बोला ये बैक बोन रीढ़ की हड्डी, बैक बोन प्रभुपाद ने बोला है, लेकिन ये आज चिप्पी वाड़ा प्रसाद हरी बोल।